हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में 46 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी टीओरी 3 का जो एग्ज़ाम था 27 से 30 के बीच में होना था, बट वो भी डिले हो गया। वो अब जुलाई में होगा दोस्तों, बट एग्ज़ाम तो होगा ही, इसलिए आप अपना प्रिपरेशन मत छोड़िए। और एमपी जो मुख्य परीक्षा है वर्ग 2 का अगस्त में होगा। एंड अब यूपी में भी आशा दिख रहा है कि वहाँ भी वैकेंसीज आएंगी टीजीटी पीजीटी की। तो दोस्तों, आप सब आशा मत छोड़िए और डेली बेसिस अपना प्रैक्टिस करते रहिए, जरूर कामयाब होंगे। बस अपना आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, अपने सेल्फ स्टडी भी और मेरे द्वारा भी। और मैंने आपको फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार की वीडियोज हैं। थ्योरी सेशन मैंने डिटेल में बताया हुआ है, चैप्टर वाइज एंड एमसीक्यू भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड 79 ऐसी वीडियोज का मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है बीपीएससी टीआई 2 में। तो सभी वीडियोज जाकर जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया है। एंड मैं 2024 ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करा रही हूँ, जो इसमें 84वां वीडियो है, 84 वीडियो हो गया दोस्तों। तो मैं आपको डेली बेसिस बिना गैपिंग के वीडियो बना रही हूँ, तो आप भी डेली बेसिस पे अपना दीजिए दोस्तों। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है कि अगर एक कक्षा के बच्चों को ऊंचाई के आधार पर क्रमवार खड़ा कर दिया जाए तो सबसे मध्य में आने वाला बच्चा उस कक्षा का क्या कहलाएगा? तो मीन, मीनियम, मीडियम एंड मोड, बहुलक, माध्य और माध्यिका जो होता है। तो जो ऊंचाई के आधार पर एक क्रम से खड़ा कर दिया गया, सबसे बीच में आने वाला बच्चा क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा मीडियम, यानी कि माध्यिका कहलाएगा। नेक्स्ट है आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं? तो दोस्तों, प्राप्तांकों की जो संख्या होती है उसी को आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है काइनेसिस शब्द का क्या अर्थ है? तो जो किनेसियोलॉजी है वो काइनेसिस प्लस लोगस, दो शब्द ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। काइनेसिस का अर्थ होता है गति और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी गति का अध्ययन करना। यहाँ पे काइनेसिस का अर्थ हो जाएगा गति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है? तो न्यूटन ने तीन नियम दिए हैं गति के 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक में। हर बार मैं इसको दोहरा देती हूँ कि आपको डेट ना भूले, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और इन्होंने तीन नियम दिया था, यहाँ पे तीसरे नियम की बात कर रहा है। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम या त्वरण का नियम, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उसका उदाहरण हो जाएगा अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीफ्यूजल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूजल फोर्स होता है वह केंद्र की तरफ लगता है, और जो अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो बाहर की तरफ लगता है। जैसे कि हम अगर भाला जो चक्का फेंक रहे हैं या हैमर थ्रो में हैमर घुमा रहे हैं, उस कंडीशन में घुमाते समय अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है केंद्र की तरफ। जब हम घुमा करके छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ ज्यादा लगता है अभिकेंद्रीय से। नेक्स्ट है, निम्न में से जोड़ों की गति में ग्लाइडिंग गति कौन सी कहलाएगी? तो दोस्तों, चल संधि के अंतर्गत जो ग्लाइडिंग जो मोमेंट्स होता है वह एक हड्डी दूसरे हड्डी पर फिसलता है, यानी कि कार्पस और टार्सस छोटी हड्डियां जो होती हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति विज्ञान यानी कि किनेसियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है, हर वीडियो में रिपीट हो चुका है, तो अरस्तु, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, खिलाड़ी दौड़ते समय अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाकर दौड़ता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, वह सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट यानी कि केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण के लिए ऐसा करता है, संतुलन बनाने के लिए वो गिर न जाए, ठीक है। और जिसका केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण पॉइंट जो होता है जितना नीचे होता है वो उतना ही ज़्यादा संतुलन स्थापित कर लेता है। जैसे महिलाओं का जो सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट होता है पुरुषों से नीचे होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह की उस क्षमता को क्या कहते हैं जो किसी कार्य या
अभ्यास को लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी करती है। तो लंबा समय आ ही गया तो समझ गए सहनशीलता है, थकान भी साथ साथ आ गया तो उसे हम मस्कुलर एंड्योरेंस यानी सहनशीलता कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोड़ लिगामेंट तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जो किसी क्रिया या अभ्यास को लंबे प्रसार तक करने में सहायक हो वह क्या कहलाती है। तो दोस्तों जब ज्वाइंट्स की बात आएगा, लिगामेंट की बात आ गया, ठीक है, और यहाँ पे लंबे प्रसार की यानी कि प्रसार को बढ़ाने की बात कर रहा है, यहाँ पे लचकता यानी कि फ्लेक्सीबिलिटी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, फ्लेक्सीबिलिटी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है दो प्रकार का होता है, एक्टिव पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है भार प्रशिक्षण से क्या विकसित होता है। दोस्तों इससे स्ट्रेंथ डेवलप होता है, शक्ति डेवलप होती है। तो यहाँ पे तो ऐसा को आंसर दिया हुआ है शक्ति और मांसपेशीय बल, ठीक है, तो भार प्रशिक्षण से मांसपेशीय बल तो होता ही है लेकिन शक्ति में सभी चीजें समाहित हो जाती हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शक्ति यानी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है पेट की मांसपेशियों की ताकत यानी स्ट्रेंथ को विकसित करने की निम्न में से कौन सा अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों पुलअप्स से हमारी बांह की स्ट्रेंथ डेवलप होती है, लंबी कूद से पैरों की विस्फोटक क्षमता, ऊंची कूद से पैरों की विस्फोटक क्षमता विकसित होती है, एंड सीटअप से जो है पेट की मांसपेशियों की सहनशीलता ताकत डेवलप होती है, और सीटअप जो है तृतीय प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आता है, डायरेक्ट फोर्स बीच में लगता है, सीटअप हो गया, पार्टियल कर्ल अप हो गया, ये दोनों जो है पेट की ताकत की विकसित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों तंत्रिका तंत्र को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यानी नर्वस सिस्टम को मांसपेशियों से तालमेल बनाए रखने एवं विकसित करने के लिए विद्यार्थियों में किस खेल के मैदान को अनिवार्य रूप से खिलाने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें सबसे दिमाग वाला और सबसे फुर्तीला वाला गेम है आपका बास्केटबॉल, इसलिए सब तंत्रिका तंत्र में मांसपेशियों के तालमेल बनाए रखने के लिए विद्यालय में बास्केटबॉल खेल अनिवार्य बनाना चाहिए। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के पिता हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है, याद रखिएगा यूनान के थे। नेक्स्ट है वाडा का पूरा नाम क्या है, आप सबको पता है वाडा का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और वाडा का जो स्थापना हुआ था 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। और दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष हैं जॉन फाहे जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री थे, एंड वाडा और नाडा दोनों बहुत जरूर पूछा जाता है, एंड नाडा जो है यह नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट है अगर किसी प्राप्तांक की आवृत्ति 11 हो तो आवृत्ति तालिका में टैली मार्क कैसे दर्शाएंगे। दोस्तों टैली मार्क दर्शाने के लिए 11 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दर्शाने के लिए 4 के बाद 5वां अंक उसको काट दिया जाता है, जैसे कि 1 2 3 4, अब 5वां ऐसे काट देंगे, 5 हो गया, फिर 6 7 8 9 10 हो गया और 1 11 हो गया, तो कौन आपका राइट आंसर हो गया, आपका ऑप्शन नंबर को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को कैसे दर्शाया जाता है, जो कोरिलेशन होता है अगर पूर्ण धनात्मक है तो उसको +1 से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है बहुलक किसे कहते हैं। दोस्तों जो जिससे किसी वर्ड की या अंक की आवृत्ति आपके बार बार आए उसे बहुलक कहा जाता है, तो यहाँ की उच्च आवृत्ति वाले प्राप्तांक को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहा जाता है, मोड कहा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी टीमों के प्रदर्शन के मध्य सहसंबंध यानी कोरिलेशन निकाला जा रहा हो
जिसमें ए का प्रदर्शन बढ़ रहा हो और बी का प्रदर्शन घट रहा हो तो सहसंबंध कैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक का घट रहा है एक का बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपका ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वाह्य बल कौन सा है? तो दो प्रकार का बल होता है, वाह्य और आंतरिक बल। और वाह्य आंतरिक बल में हमारा मांसपेशीय बल होता है एंड वाह्य बल में घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, हवा का प्रतिरोध आदि होता है। तो यहाँ पे घर्षण बल एंड गुरुत्वाकर्षण बल ये दोनों ऑप्शन नंबर घ राइट होगा, वाह्य बल के अंतर्गत, और मांसपेशीय बल जो है आंतरिक बल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, महान वैज्ञानिक गैलीलियो प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गैलीलियो जो है जड़त्व के नियम के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गति के तीन नियमों को दिया है न्यूटन ने। बट इनसे भी पहले जड़त्व के नियम के बारे में बताया था गैलीलियो ने। इसलिए गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया के अलावा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑर्थोलॉजी नामक विज्ञान संबंधित है। तो ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत जोड़ों का अध्ययन किया जाता है एंड ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का और मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का। नेक्स्ट है, न्यूटन के नियमों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सबको पता है गति के नियम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गति के तीन नियमों का प्रकाशन 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया। नेक्स्ट है, लचकता को खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों आपने सही आंसर टिक कर दिया होगा, दो भागों में बांटा गया है, एक्टिव पेशी फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव पेशी फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव में जो रेंज ऑफ मोमेंट में गति की मात्रा का जो वृद्धि होती है स्वयं की सहायता से किया जाता है, जबकि पेशी में किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता से बढ़ाया जाता है। जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी दो प्रकार की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक जो होती है स्थिर अवस्था में गति की मात्रा यानी रेंज ऑफ मूवमेंट में वृद्धि भी जो सहायता करती है उसको स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। जैसे खड़े होकर, बैठ कर, लेट कर, स्ट्रेच करने वाले ये सभी योगासन जो है वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएंगे। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में गतिशील अवस्था में गति की मात्रा में जो वृद्धि होती है, जैसे कि दौड़ या कूद में इनका प्रयोग, जैसे कि सभी जिम्नास्टिक में जो शामिल होता है सभी डायनेमिक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक गज में कितने मीटर होते हैं? दोस्तों एक गज में 0.914 मीटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विस्फोटक शक्ति में विस्फोटक का क्या अर्थ है? तो दोस्तों विस्फोटक शक्ति जो होती है शक्ति और चाल दोनों से मिलकर बना होता है, तो इसमें विस्फोटक का अर्थ ज्यादातर चाल से लगाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, सर्किट ट्रेनिंग से विकसित होती है। दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग से शक्ति सहनशीलता डेवलप होता है। यहाँ पे शक्ति सहनशीलता नहीं दिया है, शक्ति अलग दिया है, सहनशीलता अलग दिया है ऑप्शन में, यहाँ पे बुक में राइट आंसर दिया है शक्ति। तो शक्ति सहनशीलता डेवलप होती है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेल में चोट लगने के पश्चात प्राथमिक उपचार में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपने सही आंसर टिक कर दिया होगा, RICE पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? RICE पद्धति का। RICE पद्धति में R से तात्पर्य हो जाता है रेस्ट, और I से मतलब बर्फ लगाना, आइस का प्रयोग करना, C से कंप्रेशन यानी दबाव डालना, और E से इलिवेशन यानी कि हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना। बट इस वर्तमान में इसका RICE न कह के इसको PRICE कहा जाता है, PRICE, ठीक है, PRICE प्राइसेस कहा जाता है, PRICES कहा जाता है, जिसमें से पी से हो जाएगा प्रोटेक्शन यानी चोटिल भाग को बचाव करना, आर से रेस्ट करना, आई से आइस यानी बर्फ का प्रयोग करना, सी से कंप्रेशन यानी कि चोटिल भाग से पहले भाग को हृदय की तरफ वाले भाग को दबाना,
और इसे हो जाएगा एलिवेशन, चोटिल भाग को हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना हाई, एंड एस से हो जाएगा सपोर्ट, सपोर्ट देना, उसको सहारा देना। नेक्स्ट दोस्तों, खेल में चोट लगने के पश्चात खिलाड़ी को पुनः पूर्ण प्रशिक्षण क्षमताओं के साथ मैदान में वापसी के लिए जो चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों उसे हम रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, पुनर्वास यानी पुनर्स्थापन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुनर्वास या पुनर्स्थापन या रिहेबिलिटेशन मतलब होता है चोट लगने के पश्चात पुनः पहले वाले स्थिति में आना, खेलने योग्य बन जाना होता है, जिसके पुनर्वास के लिए तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है, करेक्टिव एक्सरसाइज, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियां एंड चिकित्सा विधियां। नेक्स्ट है वे साधन व प्रक्रिया जिसमें खिलाड़ी की क्षमता व प्रदर्शन में सुधार होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको एनाबोलिक स्टेरॉयड कहा जाता है, यानी अपने खेल में अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करना उसको डोपिंग कहा जाता है, जबकि एक ऑर्गेनिक तरीका अपनाना उसे एगोजेनिक एड्स कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। एगोजेनिक एड्स जो है कई प्रकार का होता है, जिसमें से जैसे कि विभिन्न प्रकार की विधियां जिसमें खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार लाया जाता है उसे एगोजेनिक एड्स कहते हैं, और इसमें जो है न्यूट्रिशनल एड्स यानी पोषण साध्य, फिजियोलॉजिकल एड्स यानी शारीरिक क्रियात्मक साध्य, साइकोलॉजिकल एड्स यानी मनोवैज्ञानिक साध्य, एंड मैकेनिकल एड्स यानी यांत्रिक साध्य, एंड फार्माकोलॉजिकल एड्स यानी औषधीय साध्य, ये पांच आते हैं एनाबोलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत। एर्गोजेनिक एड्स दोस्तों, यहाँ पे एर्गोजेनिक एड्स ग राइट होगा, सॉरी दोस्तों मैं सही बता रही हूँ लेकिन ऑप्शन गलत टिक की थी, यहाँ पे राइट आपको कर दे रही हूँ, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। और वे साधन व प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता और प्रदर्शन में सुधार होता है उसे क्या कहते हैं? एर्गोजेनिक एड्स कहते हैं। एनाबोलिक स्टेरॉयड नहीं होगा, एनाबोलिक स्टेरॉयड से जो है मांसपेशियों की ताकत और सहनशीलता में असीम वृद्धि होती है, याद रखिएगा, वो डोपिंग के अंतर्गत आता है एनाबोलिक स्टेरॉयड। नेक्स्ट दोस्तों, खेल के मैदान में अचानक से लिगामेंट का अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने से उसके तंतु का टूट जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों लिगामेंट के अधिकतम सीमा से टूट जाने को हमेशा मैं बताई हूँ कि स्प्रेन ली यानी कि स्प्रेन यानी लीगा मोच कहलाता है, ठीक है। लिगामेंट जो है दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, यहाँ पे चोट आने पर अधिकतम सीमा से खिंच जाने को स्प्रेन यानी कि मोच कहा जाता है, ठीक है। एंड मांसपेशी या टेंडन में अधिकतम खिंचाव या अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने को स्ट्रेन यानी कि खिंचाव कहते हैं। स्ट्रेच जो हो दोस्तों जो होता है वो पेट के नीचे की मांसपेशी में अचानक दौड़ते समय या क्रिया करते समय तीखा दर्द हो उसको स्टिच कहा जाता है, फ्रैक्चर मतलब होता है हड्डियों का टूटना। नेक्स्ट है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन किसका सूत्र है? तो दोस्तों यह सूत्र है प्रमाप विचलन का। नेक्स्ट है आई किसको दर्शाता है? तो दोस्तों आई जो है वह वर्ग अंतराल को, वर्गांतर के आकार को दर्शाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आपने पढ़ा होगा स्टैटिक्स में, जो फिजिकल एजुकेशन में दिया हुआ है, कुछ पार्ट्स आप बीपीएड किए होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है बहुलक को किससे चिन्हित किया जाता है? तो बहुलक को जेड से चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, या यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 9, 10, 13 में कौन आपका बहुलक है संख्या? तो जो ज्यादा बार आएगा सबसे ज्यादा बार उसको बहुलक कहा जाएगा, यहाँ पे 5 जो है सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आपका बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊपर फेंकी गई गेंद नीचे वापस क्यों आती है? दोस्तों आप सबको पता है इसी से न्यूटन ने गति का, गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे पहले खोज किया, ऊपर से बैठे थे और ऊपर से सेब एकाएक नीचे गिर करके वहाँ पे चाकू रहता है दो भागों में बट जाता है, तो उसी से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण।
नेक्स्ट है W बराबर F गुणे D किसका सूत्र है। W यहाँ वर्क को इंडिकेट कर रहा है, तो यह किसका सूत्र है, यह सूत्र है कार्य का। नेक्स्ट है निम्न में से क्षितिज के समानांतर तल कौन सा होता है। तल यानी कि प्लेन की बात कर रहा है, तीन प्लेन होते हैं सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तल आपका राइट होगा, जो शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है, जबकि सेजिटल तल शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है। गति आगे पीछे, फ्रंटल फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, जबकि जो फ्रंटल प्लेन होता है शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है, और गति दाएं बाएं होती है, एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट। नेक्स्ट है न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं। तो आप सबको पता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के अंतर्गत, जैसे कि तैराक द्वारा पानी में आगे बढ़ना, वॉकिंग करना, बंदूक चलने पर पीछे गिर जाना, गेंदों का ड्रिबलिंग करना, बॉल का दीवार पर फेंकना, ठीक है, ऊंची कूद में खिलाड़ी द्वारा नए नम सतह की जगह ठोस सतह का चयन करना। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से आइसोमेट्रिक अभ्यास किसे कहते हैं। आइसोमेट्रिक, आइसो मतलब सेम, मैट्रिक मतलब लंबाई, यानी सेम लंबाई, पेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन न रहे, यानी कि एक समान रहे, जिसमें मांसपेशी की लंबाई एक समान रहे, उसे आइसोमेट्रिक अभ्यास कहेंगे। जिसमें मांसपेशी की लंबाई घटती बढ़ती है उसे आइसोटोनिक कहेंगे, जिसमें एक समान गति होती है उसको आइसोकाइनेटिक कहेंगे। नेक्स्ट है अभ्यास के थकान के पश्चात एक खिलाड़ी निश्चित समय के लिए आराम करता है, जिसमें खर्च हुई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति होती है, इस समय काल को क्या कहते हैं। तो पीरियडाइजेशन में, अवधिकालीनता में मैंने बताया हुआ है इसको, रिकवरी फेज या ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, यानी क्षतिपूर्ति काल आपका हिंदी में राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है UPTGT 2021 में आया हुआ था दोस्तों। जैसे कि जो अवधिकालीनता में तीन फेज होते हैं, प्रिपरेशनल पीरियड, कंपटीशन पीरियड और ट्रांजिशनल पीरियड। प्रिपरेशन में प्रिपरेशन कराया जाता है तैयारी, और कंपटीशन पीरियड में कंपटीशन होता है, उसके बाद रिकवरी फेज आता है पुनः प्राप्ति के लिए, जिसको हम क्षतिपूर्ति काल या ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक का भार किस रूप में दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा साधारण से जटिल, साधारण से धीरे धीरे उसकी भार को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से शक्ति को विकसित करने की विधि कौन सी है। तो दोस्तों स्ट्रेंथ को डेवलप करने की मुख्य रूप से तीन विधियां हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आइसोटोनिक विधि, ठीक है। यहाँ पे शटल रन जो है एजिलिटी यानी चपलता को डेवलप करता है, नो मील दौड़ सहनशीलता को डेवलप करता है। नेक्स्ट है जिस चिकित्सा विधि से बर्फ का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस चिकित्सा विधि से बर्फ का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ठंडी चिकित्सा को क्रायोथेरेपी बोला जाता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोथेरेपी को विद्युत चिकित्सा के अंतर्गत आता है, वैक्स थेरेपी मोम चिकित्सा के अंतर्गत आता है, ये भौर स्नान जो है वर्लपुल बाद हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जल के माध्यम से किया गया उपचार क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। विद्युत के माध्यम से किया जाता है उस उपचार को इलेक्ट्रोथेरेपी कहा जाता है, मोम के माध्यम से किया जाता है उस उपचार को वैक्स थेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो दोस्तों फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में किया गया था 1879 में सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा फर्स्ट एड शब्द का, जिसमें RICE पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसे थंब रूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चोट लगने के पश्चात पुनः स्थापना यानी रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास प्रक्रिया में अभ्यास कराए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों करेक्टिव एक्सरसाइज यानी कि उसमें उपचारात्मक विषयक अभ्यास कहा जाता है।
तो दोस्तों ये था आज के सेशन 46 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चंस में डाउट होगा उसे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, हम सब मिलकर के उसका सही आंसर ढूंढेंगे और क्लियर करेंगे। दोस्तों इसी तरह आप वीडियो शेयर भी करते रहिए दोस्तों, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके, और डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।